आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पोलेराइट क्या होते हैं? यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और सेकेंड पार्ट है, यदि प्रकाश तरंग आपतित हो तो प्रकाश तरंग रेखीय रूप से ध्रुवित हो जाएगी। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि पोलेराइट क्या होते हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, और सेकंड पार्ट है, यदि अध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो प्रकाश तरंग रेखीय रूप से ध्रुवित हो जाएगी। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? ये प्रकाश देखेंगे अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है सभी दिशाओं में जाने वाला। अध्रुवित प्रकाश सभी दिशाओं में जाने वाला, इसका हम नाम दे देंगे अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है जिसकी दिशा सभी दिशाओं में हो, वो अध्रुवित प्रकाश के अंतर्गत आता है। और जब इस पोलेराइट फिल्म से निकलता है तो वो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये हमारा होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। हम लोग इस पे देख पा रहे हैं कि जब किसी भी प्रकाश को, जो अध्रुवित प्रकाश है अर्थात सभी दिशाओं से जलता है, जब इस पे पोलेराइट फिल्म, ये हमारी जो दी हुई है ये पोलेराइट फिल्म, पोलेराइट फिल्म, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइट फिल्म से हम लोग जब गुजारते हैं तो जो हमारा प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश ना होकर समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। अर्थात जो प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है वो जब इससे निकाल के गुजारा जाता है तो वह एक ही दिशा में चलता है, और पोलराइट जो होता है बेटा ये एक समतल प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती एवं व्यापारिक विधि है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये हमारी किस प्रकार की विधि है। ये हम देख पा रहे हैं इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की पोलराइट फिल्म है, और इसके थ्रू हम देख पाते हैं कि प्रकाश विश्लेषक द्वारा ये माना गया कि दिया गया प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित या आंशिक रूप से ध्रुवित या अध्रुवित होता है जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता में
इससे जब कोई प्रकाश निकलता है इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिया होता है तो इसका मतलब प्रकाश अध्रुवित है। और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब होता है आपतित प्रकाश अध्रुवित है, क्योंकि उस पोजीशन पर तीव्रता शून्य। तो कांच के पृष्ठ पर आपतित हो तो आपतन कोण इसको भी ध्यान से समझते हैं हमारा आपतन कोण क्या है। बूस्टर के कोण में ध्यान देंगे, ये हमारा वायु और ये हमारा पारदर्शी माध्यम, ये हमारा पारदर्शी माध्यम है। ये हमारा आपतन कोण है जिसका नाम है आईपी, और ये हमारा जो एंगल दे रखा हुआ है थीटा 90 डिग्री पर है, आपतन कोण है। और ये हमारा अपवर्तन कोण है आर। बूस्टर के नियम में क्या है, यदि प्रथम माध्यम के सापेक्ष पारदर्शी माध्यम का क्वथनांक हो तो बूस्टर का नियम कहलाता है। बूस्टर के नियम में ध्यान देंगे, जब कोई भी प्रकाश आपतित होता है किसी भी पारदर्शी मीडियम के आसपास तो वह प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, और इसका जो कोण होता है ये थीटा, ये हमारा 90 डिग्री है। ये जो आगे पूरा दिया है ये हमारा थीटा है 90 डिग्री। इसका रिलेशनशिप होता है बूस्टर के नियम में म्यू इक्वल टू 10 अल्फा। म्यू हमारा अपवर्तनांक होता है यहाँ, म्यू हमारा जो होता है म्यू बराबर अपवर्तनांक। और आईपी जो हमारा है आपतन कोण होता है। तो क्वेश्चन के गाइडिंग प्रोग्राम हम बात करते हैं तो सिंपल सा है, साधारण सी बात है कि यह एक जब समतल प्रकाश से निकाला जाता है तो यह एक प्रकाश की सब से व्यापारिक विधि है। जैसा कि मैंने प्रोजाइट बताया, बूस्टर के नियम में ध्यान रखेंगे ध्रुव कोण पर आपतन पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है, तो इस पर ध्यान देंगे। इस पर जो आपतित किरण हमारी है आईपी, और जो हमारा ये दिया हुआ है अपवर्तन को हमने बताया कि अपवर्तित किरण है आपतित और अपवर्तित, और ये होती है आंशिक रूप से परावर्तित, तो ये हमारी अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण है, और ये हमारी परावर्तित किरण है।
जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो अंश किरण का कुछ भाग तो परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग हमारा अपवर्तित होता है। और आपतन कोण पर जो परावर्तित और अपवर्तित किरणें हैं, ये परस्पर लंबवत होती है। आप देख पा रहे हैं परावर्तित किरण को और आप देख पा रहे हैं अपवर्तित किरण को, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, जो थीटा बराबर 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। और जो हमारा म्यू बराबर 10 IP है, ये हमारा ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। इसी को बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन कम्प्लीट। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।